उनका दौरे हुकूमत ठीक नहीं था, उनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। आमरियत जितनी भी बेहतर हो गंदी से गंदी जमहूरियत से भी बेहतर नहीं हो सकती। शरफ का दौर बहुत अच्छा दौर था, आज तक नहीं बोले, आज तक दुनिया नहीं बोली, बच्चा नहीं बोला। वो बॉर्डर पे से लड़ा था ना लोगों का साथ, हम याद अभी भी याद करते हैं। वो अच्छी गुजरी, बेहतर गुजरी। जैसा ये दौर है ना बेटा, ये तो बहुत ही नाजुक हालात, बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं उद्रमान। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ 79 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। वो उनका दौरे हुकूमत कैसा था, आइए जानते हैं लोगों के इस बारे में क्या राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौरे हुकूमत गुजरा, ठीक है, वो एक आमिर थे, तो आपके मुताबिक उनका दौरे हुकूमत कैसा था? मेरे ख्याल के मुताबिक उनका दौरे हुकूमत ठीक नहीं था, उनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। एक हमारे सीनियर कहते हैं कि जितनी भी बेहतर हो गंदी से गंदी जमहूरियत से भी बेहतर नहीं हो सकती। जमहूरियत चाहे जितनी मर्जी गंदी हो, हमेशा बेहतर होती है, अवाम के फ़ायदे के लिए होती है। उसकी क्या वजूहत? उसकी वजूहत ये है कि मुशर्रफ ने सिर्फ अमेरिका से डॉलर लेके और अपने डॉलर को और मुर्शद को सिर्फ सहारा दिया हुआ था। जब वो उसकी हुकूमत गई है, आपने देखा उसके बाद मुल्क में किस तरह की लोड शेडिंग हुई है। उसने पावर प्लांट पे कोई काम नहीं किया था, बिजली की उस अंधेरों में चला गया था पूरा पाकिस्तान। कोई तरक्याती काम आपने देखे हों, हुए हों मुल्क के अंदर, कोई सड़कें बनी हों, कोई बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे हों, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आई हो, ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। ये जमहूरी लोग होते हैं जो यही ये काम करते हैं। उनको उन्होंने आवाम को जाके जवाब देना होता है, आमिर ने आवाम को जाके जवाब नहीं देना होता। वो उसने हुकूमत करनी होती है और चले जाना होता है। दुनिया की जो बेहतरीन जो सिस्टम है वो जमहूरियत का ही सिस्टम है। लेकिन मुशर्रफ के दौर के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का दौर आ गया, तो कहते हैं कि उस दौर में बड़ी करप्शन हुई है। असल में जो आसिफ अली जरदारी का दौर था, उसके पीछे भी ये डिक्टेटर ही थे। आसिफ अली जरदारी की डोरें वही हिलाते थे, ये मिल बैठ के खाते थे। इन दोनों की जो है ना, आसिफ अली जरदारी इनकी मर्जी के बगैर नहीं आया था। अगर वो जो अवाम की मर्जी से आया होता, वो बल्कि आ ही नहीं सकता था अवाम की। अगर आज खड़ा कर दें आप आसिफ अली जरदारी को और कई अवाम उसको वोट देगी, कभी भी नहीं देगी। अवाम की मर्जी से जब भी हुकूमत आएगी ना, वो कभी भी अवाम की अमंगों और उम्मीदों के खिलाफ नहीं जा सकती। उनका दौर हुकूमत माशाल्लाह इतना बेहतरीन था कि बहुत अच्छा था। और उन्होंने जाते जाते एक बात की थी कि अल्लाह हाफिज पाकिस्तान का, ठीक है। ये आज जो भी मामला है, जो भी आजकल महंगाई है, जो माशियत महंगी है, सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई है जनाब। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, ठीक है, ये बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। और ये आपको बता दूं कि मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा दौर था, आज तक नहीं बोले, आज तक दुनिया नहीं बोली, बच्चा नहीं बोला उनका दौर। लेकिन उनका दौर अगर दौरे हुकूमत अच्छा था, वो तो बेसिकली एक आमिर थे। सर वो आमिर थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम भी तो किया है ना। देखे ना, वो जो भी थे मामला थे उनके, लेकिन इतनी महंगाई तो आपको भी पता है, आप भी अंकल है, इतनी महंगाई तो उन्होंने भी नहीं की। और जैसे जैसे महंगाई है, वैसे वैसे जो पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया, हर चीज़ महंगाई हो गई है। सिर्फ ये मामला थी, ये मुशर्रफ का दौर था, उसके बाद कोई हुकूमत नहीं आई ऐसी, कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिन्होंने ये मुल्क को संभाला है। उस बंदे ने संभाला था, जैसा भी था, जो भी था, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ये मेहनत की थी। और उन्होंने उसने बहुत अच्छा मुल्क बहुत चलाया था, उसने बहुत अच्छा मुल्क चलाया उन्होंने। यार उसका हुकूमत बहुत अच्छा था, वो जब जनरल था ना, फिर भी वो अच्छा था। वो बॉर्डर पे ऐसे लड़ा था ना लोगों के साथ, हम याद अभी भी याद करते हैं उसको। वो अच्छी गुजरी, बेहतर गुजरी। जैसा ये दौर है ना बेटा, ये तो बहुत ही नाजुक हालात, बहुत ख़राब है मुल्क के। इतने हालात ख़राब है कि आटे के लिए भी हम लोग ना तरसते हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, पढ़ने के लिए गैस नहीं आती, स्कूल जाते हैं, खाना नहीं, कुछ नहीं। ये खुदा के लिए महंगाई तोड़े, बस और कुछ ही जाते हैं, महंगाई तोड़े, बच्चों को काम दे, महंगाई तोड़े, गरीब बंदा तो मार ही गया। लेकिन माजी, जो मुशर्रफ का दौरा हुकूमत है, बेसिकली जो आप बुनियादी जो उसका पहलू है वो देखें, तो जनरल रिटायर्ड जो थे मुशर्रफ साहब, वो तो एक बेसिकली आमिर थे ना। उन्होंने इतनी महंगाई तो नहीं थी ना, इतने किराए तो नहीं ना बढ़े हुए थे, इतनी स्कूल की फीसें तो नहीं थी, इतने बच्चे इजी से पढ़ लेते, इजी से खा लेते थे, इजी से। ये तो अब तो बस सारे कमाने वाले हों तो एक बंदा तो रोटी खा सकते, सुबह का गया शाम को मिली ना मिली। आप जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से मुतमईन? मुतमईन है, वो अच्छे थे। ये तो बहुत ही बाबा, बिल देख लो,
घर का इतने इतना आता है कहाँ से दें, जो बिल दे दो तो खाने को बैठ जाते हैं, जब पानी का दे दो, बत्ती का, गैस किराए आए दिन किराया अरे किराया बढ़ा देते हैं, टूटा फूटा मकान हो जो मर्जी हो सारा दिन लोगों का काम करके तभी भी पेट भरता, इतनी महंगाई है, आटे ने तो हाथ ही कर दिया, घी ने आटे ने, कोई शहर गालो कोई बेटा कोई नहीं है तो कोई कोई किसी को दे सकता है या ले सकता है, हमारी तो यही अपील है कि महंगाई सस्ती करें, गरीबों को कोई जीने दे। जैसा कि हमने लोगों से बात की, उनका कहना था कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का दौरा हुकूमत काफ़ी बेहतर था, उस दौर में ना तो इतनी महंगाई थी और ना ही इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, गरीब का भी गुजर बसर आराम से हो रहा था, और जबकि कुछ लोगों का ये भी मौकफ था कि जमहूरी हुकूमत जो होती है वो चाहे कितनी भी ख़राब हालात में हो लेकिन आमरियत हुकूमत से बेहतर होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने जमान।